हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्याम मेटालिक की। श्याम मेटालिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शेयर आज के दिन में यहाँ पर ऊपर जाके हमें गिरता हुआ नजर आया। लगभग ये 2.53% यहाँ पर आज की गिरावट है। तो क्या करना चाहिए, इसके रिजल्ट कल आए थे, इसके रिजल्ट का रिव्यू करेंगे और जानेंगे इस स्टॉक से रिलेटेड क्या बेच देना चाहिए या खरीदना चाहिए या क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस में मिलती रहे। बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें ताकि आपको सीखने का मौका मिले। खुद की स्टडी करने पर आप जब स्टॉक को चूज करेंगे तो याद रखिएगा अच्छा रिटर्न मिलेगा एज वेल एज नॉलेज भी मिलेगी। बाकी हमसे कांटेक्ट करना है, आपको हमारी राय चाहिए स्टॉक से रिलेटेड, तो चार्जेबल सर्विस है। नीचे यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर हमारा दिख जाएगा, यहाँ पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। इसके अलावा हम यहाँ पर आपको यहाँ पर वीडियो बनाते रहते हैं, वीडियो को देखिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरी वीडियोस को जाके देखिए और इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। 84 रुपीज का स्टॉक है, 1000 रुपए तक जाने की पूरी गुंजाइश रखता है, काफी बेहतरीन स्टॉक्स नजर आता है, जाके देख लीजिए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं श्याम मेटालिक। श्याम मेटालिक की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर ये स्मॉल कैप कंपनी है और अगर हम यहाँ पर इस शेयर से रिलेटेड बातें करें तो ये लीडिंग मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, बेस इन इंडिया विद अ फोकस ऑन लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स एंड फेरोअलॉयज। द कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फेरोअलॉयज इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी इन इंडिया एंड हैज द एबिलिटी टू सेल इंटरमीडिएट्स एंड फाइनल प्रोडक्ट्स अक्रॉस द स्टील वैल्यू चेन्स। तो देखिए इससे रिलेटेड मैं बार बार वीडियो बनाता आया हूँ और आपको बताता आया हूँ कि ये कंपनी क्या करती है, कंपनी है क्या, कंपनी से रिलेटेड सारी डिटेल्स जानने की हमने हमेशा कोशिश करी है। और हम यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। स्पॉन्ज आयरन में कंपनी काम करती हुई नजर आती है, फेरोअलॉयज में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और हम देखें तो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स है यहाँ पर। अगर देखें तो देखिए लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स मतलब फेरोअलॉयज में 31% की रिवेन्यू, आयरन पैलेट्स में 9% की, स्पॉन्ज आयरन से 25% की, स्टील बिलेट्स TMT स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्ट्स वायर रॉड्स कंट्रीब्यूट 15% ऑफ द रेवेन्यू। तो मतलब इनका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, आयरन पाइप्स बनाते हुए नजर आते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल्स बनाते हुए नजर आते हैं। मतलब यहाँ पर यह कंपनी एक मल्टी डाइवर्सिफाइड यह कंपनी नजर आती है। इसके अलावा फेरोअलॉयज की यहाँ पर कैपेसिटी दे रखी है और उसे यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, कैपेसिटी इंक्रीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इनके यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पावर प्लांट भी है, ओके, यहाँ पर पावर प्लांट से यहाँ पर पावर यहाँ पर प्रोड्यूस होती है कंपनी के लिए, यहाँ पर यह फायदा होता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर अब ये अगर बात करें तो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं 5.71 मेट्रिक टन पर एनएम से 11.60 एनटीपीए बाय 2025। यहाँ पर इतना ये अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके क्लाइंट की बात करें तो जितने भी बड़े बड़े अगर आप नाम जानते हैं स्टील से रिलेटेड तो वो सारे इनके अगर बात करें क्लाइंट्स है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं नीचे जाएंगे तो देखिए अडानी, सेल, टाटा स्टील, GSL, जिंदल स्टील, लार्सन एंड टुब्रो, बेल, अडानी, तो जितने भी ये बड़े बड़े JSW वगैरह है, जितने भी स्टील की कंपनी है, सारे के सारे इनके क्लाइंट्स है और कंपनी काफी बेहतरीन है। 3-4 सेगमेंट में डाइवर्सिफाइड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, ओके। यहाँ पर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल्स, स्टील, फेरोअलॉयज एज वेल एज कंपनी काफी सारी, और जैसे जैसे यहाँ पर आपने देखा ही है यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने के लिए दिए गए, ओके। धीरे धीरे ये खर्च होंगे, जब ये खर्च होंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा चीजें क्या लगती है, स्टील लगता हुआ नजर आता है, यहाँ पर एलॉयज लगता हुआ नजर आता है, आयरन लगता हुआ नजर आता है, और डाइवर्सिफाइड और सबसे बड़ी कंपनी इन सेक्टर में कौन सी नजर आती है, एक ही कंपनी नजर आती है यहाँ पर, श्याम मेटालिक। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देना होगा इस कंपनी को, और थोड़ा सा टाइम अगर इस कंपनी को हम देंगे तो आपको यहाँ पर एक बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर बनता हुआ मिलता हुआ नजर आएगा। एक बार की वेबसाइट पर जाइएगा और यहाँ पर देखिएगा तो आपको यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझ में आएगी कि किस तरीके से कंपनी यहाँ पर काम करती नजर आती है। TMT
ओके ये सरिया वगैरह में कंपनी काम करती होना चाहती है, बिना सरिया के घर नहीं बनता ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। ओके एज वेल एज यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर्स में कंपनी काम करती हुई नजर आती है, वायर रॉड में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपके घरों में भी लगे होते हैं, ओके यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आते हैं, तो यहाँ पर ये कंपनी को ऊपर जाना ही है, याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें मार्केट कैप, स्मॉल कैप कंपनी है, ऑलवेज बताता हूँ स्मॉल कैप कंपनी जब भागती है तो अच्छे खासे रिटर्न देती हुई जाती है, और जब गिरती है तो उसी तरीके से यहाँ पर गिरती हुई नजर आती है। तो ना तो ज्यादा ये भागी है ना ही ज्यादा ये गिरी है, एक प्राइस रेंज पर चल रही है, और जिस प्राइस पे यहाँ पर आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया था उसी प्राइस के इर्द गिर्द ये अराउंड यहाँ पर चलती हुई नजर आती है। इसके अलावा पीई रेशियो की बात करें 6.21 का पीई है, आरओसी की बात करें 26% आरओसी आरओई है, और आरओसी आरओई का 26% होना, मतलब आपका पैसा अच्छा खासा बढ़ रहा है। डेट टू इक्विटी की बात करें ना के बराबर डेट है, डेट फ्री कंपनी है, नो प्लेजिंग, 461 से 359 रुपए तक ये शेयर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, बुक वैल्यू 200 की है, कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए की है, कंपनी यहाँ पर बेहतरीन ही नजर आती है, यहाँ पर कमजोर नजर नहीं आती। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं कंपनी के दूसरे यहाँ पर कंपनी पीयर कंपनी से यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो देखिए सारी की सारी कंपनी यहाँ पर बड़ी बड़ी आगे देखें, रत्नामणि ओके 34 के पी पे, अपोलो ट्राइकॉट की बात करें 31 के पी पे, और यहाँ पर इस कंपनी की बात करें तो ये केवल 6.21% की 6.21 के यहाँ पर पी पे यह कंपनी ट्रेड कर रही है। तो कितनी सस्ती यहाँ पर यह कंपनी मिल रही है आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। सस्ती प्लस में रिटर्न की बात करें 26% का यहाँ पर आरओसी है, यहाँ पर जिसका 34 है वो भी 18% के आरओसी पे कंपनी काम कर रही है, 26 के आरओसी पे काम कर रही है, तो बेहतरीन कंपनी है, बेकार कंपनी नहीं है। इसके अलावा हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेल्स हुई है इस बार की भी जो सेल्स हुई है ना वो हाईएस्ट एवर सेल्स हुई है, बट प्रॉफिट यहाँ पर थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया, नेट प्रॉफिट फ्लैट जैसे कहते हैं ना, फ्लैट प्रॉफिट फ्लैट यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखाई दिया। इसी वजह से यहाँ पर देखिए शेयर में कुछ ज्यादा ना तो गिरावट है और ना ही ज्यादा यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया, उसी रेंज पे यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके रिजल्ट फ्लैट आया। बट यहाँ पर ईयरली बेसिस पे बात करें तो 160 करोड़ की जो यहाँ पर हमारी नेट प्रॉफिट था वो बढ़ के 414 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ गया है, वो कहीं लगभग 2 गुने से ज्यादा प्रॉफिट आया है। ई क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ी सी गिरावट है और उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन है एक्सपेंसेस, कंपनी के जो एक्सपेंसेस होते हुए दिखाई दिए वो बढ़ते हुए दिखाई दिए, इनकी जो मटेरियल कॉस्ट है ना इस बार की वो ज्यादा होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि पावर आपको पता ही है पावर का कंजप्शन वो महंगा होता हुआ दिखाई दिया था, यहाँ पर पेट्रोल की रेट बढ़ते हुए दिखाई दिए थे वो कम होते हुए दिखाई दिए अब धीरे धीरे, तो चीजें अब धीरे धीरे दोबारा कम होती है, एक्सपेंसेस कम होते हुए दिखाई देंगे, दोबारा चीजें बढ़ती हुई दिखाई देगी, अच्छा खासा आपको रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा बात करें टैक्स, तो इस बार टैक्स यहाँ पर 29% का लगा था, इस वजह से और प्रॉफिट में गिरावट हुई, बट कंपनी के रिजल्ट अच्छे खासे हैं, ओके कंपनी के एक्सपेंसेस ज्यादा होते हुए दिखाई दिए एज वेल एज यहाँ पर टैक्स ज्यादा लगता हुआ इसलिए इसके प्रॉफिट में थोड़ी सी दिक्कत थी, ओके फिर भी यहाँ पर हाईएस्ट एवर 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट जो आ रहे हैं वो हाईएस्ट एवर आ रहे हैं, कंपनी का शेयर जिस दिन भागना शुरू किया ओके उस दिन पकड़ में नहीं आएगा, इस चीज को याद रखिएगा। तो स्टार्ट एक्यूमुलेट दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स, मेरा मानना तो ये है। सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स देख सकते हैं 2000, ये नहीं है कि पैंडमिक में ही बढ़ती हुई नजर आ रही है, इससे पहले 3700 से 4600 ही, 4600 से यहाँ पर पैंडमिक के रीजन आया था ओके, फिर भी यहाँ पर फ्लैट सेल्स होती हुई दिखाई दी, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मांग ज्यादा थी तो यहाँ पर ज्यादा तेज भागता हुआ दिखाई दिया। इस बार की पिछले 12 महीने की 9000 करोड़ की सेल्स है, नेट यहाँ पर 9000 करोड़ सेल्स का मतलब क्या है, इतनी तो इसकी कंपनी की पूरी वैल्यू है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 1475 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये सारी आंकड़े बता रहे हैं कि कंपनी मल्टीबैगर है, कंपनी बेहतरीन है, और ऐसे शेयर को यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट हो गई है। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कंपनी के रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ओके बेहतरीन तरीके से। बोरिंग की बात करें जो यहाँ पर 1114 करोड़ की बोरिंग 2020 में थी, 2021 में मार्च में 990 थी, और अभी की बात करें सॉरी यहाँ पर 796 थी, अभी 330 करोड़ की बोरिंग रह गई है, कंपनी ने अपनी बोरिंग चुका दी है, रिजर्व्स बढ़ रहा है, यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में 1016 करोड़ रुपए, और 1016 करोड़ रुपए का मतलब है कंपनी ने अपने 6 महीने के अंदर डबल यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में लगा दिए है पैसे, ये जब यहाँ पर ऐड होते हुए दिखाई देंगे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पूरा चेंज होता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर प्रॉफिट बहुत ज्यादा आने वाला है याद रखिएगा। इन्वेस्टमेंट कंपनी का 889 करोड़। कैश की बात करें, कैश रिच कंपनी, देखिए कैश बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे लग रहे हैं, बोरिंग कम हो रही है, इसके अलावा रिजर्व्स बढ़ रहे थे, इसका मतलब है कंपनी यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली है और कुछ नहीं, जो भी पैसा आ रहा है बुक में
में दिखाई दे रहा है और इस बार की जो पैसे आए हैं 1050 करोड़ हाईएस्ट एवर है। इसके अलावा आरओसी यहाँ पर 27% की है और बहुत जल्दी मुझे लगता है 40-45% की भी हो जाएगी। प्रमोटर्स की होल्डिंग 88.35% है। एफआईआई की बात करें थोड़ी सी हिस्सेदारी 0.5% के आसपास की है, तो 1% के आसपास की हिस्सेदारी थोड़ी कम करी है लगभग। डीआईएस की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर हिस्सेदारी इसकी है थोड़ी खरीद ली है, थोड़ी सी पब्लिक के पास आ गई है। पब्लिक के पास भी केवल 7.32% की हिस्सेदारी है, ज्यादा यहाँ पर होल्डिंग नहीं है। इसका मतलब है इसमें भी बड़े बड़े लोग शामिल होंगे, मतलब ऑपरेटर जब भगाना चाहेंगे, जब निगाह एफआईआई की पड़ गई है। और एक बार यहाँ पर बीच में कभी भी ओएफएस भी आ सकता है, तो इस वजह से भी शेयर थोड़ा सा यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बार ओएफएस 3 साल के अंदर अंदर आता है, इस बात को भी याद रखिएगा, तो ओएफएस के लिए तो काफी टाइम है। बट शेयर प्राइस मुझे यहाँ पर से भागता हुआ नजर आ रहा है, गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा। सपोर्ट लेवल की बात करें तो इसका सपोर्ट लेवल सबसे बेहतरीन सपोर्ट लेवल यही है 333 रुपए के आसपास, 334 रुपए के आसपास का। यहाँ से नीचे जाने की मुझे आशंका लग नहीं रही, लगती गिरता भी है तो बाय ऑन डिप्स करना। फिर बता रहा हूँ यहाँ पर एक बेहतरीन मुझे ये शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर चार्ट पैटर्न ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये यहाँ पर शेयर अब भागता हुआ नजर आएगा पूरी। और जितने भी स्टील के शेयर है देखिए भाग ही नहीं रहे, जब वो भागना शुरू करेंगे क्योंकि देखिए पैसा यहाँ पर कभी एक जगह यहाँ पर नहीं लगा रहता। कि ऐसा नहीं जैसे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और भूल जाते हैं, ऐसा नहीं करते, बड़े बड़े लोग करते हैं। यहाँ से पैसा उठा के यहाँ डाला, इस सेक्टर से उठा के उस सेक्टर में डाला, तो अभी बैंकिंग भाग रहा है, दूसरे सेक्टर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ से जब मेटल भाग रहे थे तब दूसरे स्टॉक ठंडे पड़े थे, दूसरे स्टॉक जब भाग लेंगे वहां से पैसा निकाल के दोबारा यहाँ पर मेटल में लाएंगे, और मेटल में जब लाएंगे तो दोबारा मेटल में यहाँ पर पैसा हमारा बनता हुआ नजर आएगा। हम उनकी कॉपी तो नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, बट अगर हम बात करें, हम थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करके जब चीजें हमें नीचे मिल रही है हम उसे लेके बैठ सकते हैं, ओके। और वो 100% बनाते हैं तो शायद 50% जब ये भागता हुआ दिखाई देगा तो 50% शेयर हमारे भी पैसे हमारे भी बनते हुए नजर आएंगे। तो इसके टारगेट कितने नजर आ रहे हैं? इसके टारगेट नजर आ रहे हैं 500 रुपए के। 349 रुपए का शेयर चल रहा है, ओके, लगभग 150 रुपए का अपसाइड नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो ये टारगेट नजर आ रहे हैं ये 44% के टारगेट है। 44% एक साल में भी मिल गया तो इसका मतलब है आप अपने 40% के CAGR से पैसा कमा रहे हैं। वॉरेन बफेट को भी पीछे छोड़ देंगे इस तरीके से यहाँ पर ये रिटर्न होते हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखा के समझ के चीजें करोगे, ओके, और बाय ऑन डिप्स करने की सलाह रखोगे, चीजों को यहाँ पर घबरा के बेचोगे नहीं, चीजों को यहाँ पर नीचे आए तो और ज्यादा खरीदोगे, तो यहाँ पर चीजें अपने आप यहाँ पर अच्छी होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर ये स्टॉक्स को यहाँ भी बताया था तो यहाँ भागा था, इसके बाद यहाँ बताया तो यहाँ पर थोड़ा सा भागा, तो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगेन यहाँ पर बता रहा हूँ, और कुछ टाइम पहले बाद 1 से 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब यहाँ पर मेटल में पैसा आएगा दोबारा यहाँ पर बताऊंगा तो ये शेयर यहाँ पर बचाता हुआ दिखाई देगा, तब आपको कहूंगा कि मैंने यहाँ पर बताया था, तो यहाँ पर ये शेयर फिर भागता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए टाटा स्टील भागता हुआ दिखाई दिया है, नहीं दिखाई दिया, ओके। यहाँ पर देखिए टाटा स्टील इसी रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, इसी तरीके से शाम मेटालिक कर रहा है, इसी तरीके से JSW स्टील करता हुआ नजर आ रहा है, ओके। यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, ये एक साथ भागेंगे जितने भी शेयर है। JSL यहाँ पर जिंदल स्टील को ले लीजिए, ओके, ये भी यहाँ पर देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, इसी तरीके से शाम मेटालिक भी कर रहा है। थोड़ा सा ये मेटल के स्टॉक्स है, एक बार पैसा आएगा, ओके, यहाँ से दोबारा बैंकिंग में अभी पैसा बढ़ रहा है, बैंकिंग से प्रॉफिट बुकिंग होगी, यहाँ पर पैसा लगाएंगे और यहाँ पैसा लगा के चीजें यहाँ पर फिर भागती हुई नजर आएगी। तो अपने इसलिए कहते हैं पैसे को डाइवर्सिफाइड करके रखिए, जब उसमें रैली आएगी तब उसका मजा लेंगे, इसमें आएगी तो उसमें भी मजा लेंगे, और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म लगा के छोड़ दिया, ओके, लॉन्ग टर्म लगा के चीजें नीचे भी आ सकती है, पैसा मिलता रहेगा, फिर नीचे आएगी तो नीचे से खरीद लेंगे। तो इस तरीके से प्रॉफिट भी बुकिंग करते रहिए, उसका भी मजा लेते रहिए, पैसे बनते भी रहेंगे। बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करना है, ये चीज थी मुझे समझाने वाली तो ये मैंने आपको समझा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।